बना लिए। ये देखो भाई इंजन खुल के ऐसा हो चुका है, मेरा बाइक का नामो निशान देखो, ये क्या हो गया। 140 जैसे देख रहा हूँ तो लगता है ओह माय गॉड मेरा बाइक कितना दिन से मेरे पास नहीं था, तो ऐसा लगता था कि काश मेरा बाइक मेरे पास आ जाता और आज फाइनली मेरे सामने। तो पता चलेगा आपको प्रॉब्लम क्या थी बाइक में। बहुत दिनों के बाद आज आया हूँ सर्विस सेंटर बाइक लेने के लिए, लगभग एक महीना हो गया। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत दिनों के बाद आज मेरा बाइक मेरे को मिलने वाला है, तो सारा रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था बाइक में और कितना दिन लगा रॉयल इनफील्ड में, तो वो सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना तो पता चलेगा आपको प्रॉब्लम क्या थी बाइक में। बहुत दिनों के बाद आज आया हूँ सर्विस सेंटर बाइक लेने के लिए, लगभग एक महीना हो गया और आप लोग से बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। GT में मिलूँगा अभी डायरेक्ट आपको, तो चलो मैं दिखाता हूँ GT को, आप वीडियो को पूरा देखना। ये देखो गाइज, ये रहा फाइनली मेरा बाइक, बन चुका है एक महीनों के बाद, ये देख सकते हो आप। बहुत दिनों के बाद ऐसे देख रहा हूँ तो लगता है ओह माय गॉड मेरा बाइक कितना दिन से मेरे पास नहीं था, तो ऐसा लगता था कि काश मेरा बाइक मेरे पास आ जाता और आज फाइनली मेरे सामने है बन के रेडी। बाकी मैं अभी आपको चलते चलते बताऊँगा कि बाइक में क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो इसलिए एक महीना से यहीं पे था। बाकी पूरा सब कुछ ऑल सेट हो चुका है बाइक को, चलो अब चला के देखते हैं। ये लोग बोले कि चेक करके आप बताना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, तो पहले अब चलाते हैं। हर हर महादेव। अभी एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो है स्टॉक वाला। ओ भाई साहब, बहुत वो लग रहा है, अलग टाइप का फीलिंग आ रहा है। अरे यार ये फुटपैक वगैरह, मतलब मैं बुलेट चला रहा था ना क्लासिक 350, तो बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ, ये तो ऐसे अलग ही फील आ रहा है इसमें। चलो जय श्री राम। ओ भाई साहब, ब्रेक लिवर, ओ माय गॉड, बहुत दिनों के बाद ये पावर फील कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक महीनों से बुलेट चला रहा था ना तो उसे पावर फील नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे पूरा पावर फील कर रहा हूँ। ओह, सबसे पहले चलो पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर चलाते हैं गाड़ी को कि कितना परफॉर्मेंस क्या है, भागता कैसे है, फील करेंगे अपन। पेट्रोल डाल दो भैया, 510 का। 510? हाँ, पेट्रोल डलवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा खुशी फील हो रहा है। पेट्रोल मतलब उस पर डलवाता था, बट इस पर डलवाने का अलग ही मजा है। पेट्रोल, ओ हाय मार्कोस, ओके हाय, कहाँ जा रहे हो? बस अरे वही गाड़ी बनने के लिए दिया हुआ था। बहुत हाँ, मैसेज करते हैं आपको, याद है? अच्छा, अरे यार बुरा मत मानना यार, पता नहीं चलता क्योंकि बहुत तो मैसेज आता है ना, तो पता नहीं चलता इसे। यही अभी जस्ट निकाल के अब टेस्ट करने जा रहे हैं बाइक कैसा चल रहा है। हाँ अभी तो जस्ट निकाल के आ रहे हैं। हाँ, अरे वो थर्ड गियर जो होता है ना उसका पिनियन टूट गया था अंदर से, तो उसके लिए खुला था इधर का एक साइड का, और पार्ट्स नहीं था, तो पार्ट्स आने में ही लगभग 15-20 दिन लगा। अब बन के जब हुआ रेडी तो एक पार्ट्स और घट गया, तो फिर 5 दिन लगा, टोटल एक महीना लग गया। अरे यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया लालपुर। और अब गाड़ी चलाने का फील ले रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी को बहुत दिनों से चलाया नहीं था मैंने इस बाइक को, तो मेरे को एक ऐसा लग रहा था लाइफ से कुछ कमी हो गया, अब आ गया ये मेरे लाइफ में, तो ऐसा लग रहा है ये अब मैं खुश हूँ बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ही दिन से दुखी दुखी सा फील होता था, लेकिन आज इस बाइक को चला रहा हूँ और वापस से वही पब्लिक रिएक्शन देख के ओ माई गॉड, मतलब क्या बताऊँ मैं, इस पर बहुत ही अच्छा खुशी मिलता है यार। ओए होए होए। अच्छा मैं आपको पहला चीज़ तो बता देता हूँ मेरे बाइक में प्रॉब्लम क्या हुआ था। मेरे बाइक में थर्ड गियर का जो पिनियन होता है ना, जिसमें गियर लगता है ऐसे, वो टूट गया था अंदर से ही, तो थर्ड गियर लग नहीं रहा था, इसके वजह से मेरे को बाइक मतलब सर्विस सेंटर में देना पड़ गया, ठीक है। और सर्विस सेंटर में जब दिया तो पार्ट्स ही नहीं था वहाँ पे, तो पार्ट्स नहीं था, तो पार्ट्स ऑर्डर करने में आने में फिर न्यू ईयर आ गया था, तो उन लोगों का शायद डिस्पैच नहीं हो रहा था सामान,
इसके वजह से एक महीना टाइम लग गया। मैंने लास्ट 12 दिसंबर को दिया था बाइक, और आज है कितना 14 जनवरी 2024। तो न्यू ईयर में पहली बार ये बाइक मैं चला रहा हूँ। उसके बाद बाइक आज बन के मिला मेरे को, तो बहुत ही दिन हो गया, लंबा समय खींच गया, और ये फील मैं बहुत दिनों से ले नहीं पा रहा था। तो ऐसा लगता था कि क्या मिसिंग है लाइफ में, और फाइनली अब मेरे पास ये बाइक आ चुका है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और आप भी खुश हो जाओ, आप लोग भी बहुत दिनों से पूछ रहे थे यार कि GT कहाँ है, GT कहाँ है, फाइनली GT आ गया, और चचा ऐसे देख के चला रहे हैं कि क्या बताऊँ। और अभी लालपुर में हूँ, और ये भगाने का मौका, ओहो, मैं क्या बताऊँ। आप समझ पा रहे होगे मेरे को लगता है, अगर जो बाइक से थोड़ा जुड़ा हुआ है उसको समझ में आता होगा कि एक महीना अगर मेरे पास बाइक ना हो और फिर आ गया हो, और चलाने का फील जो लेने का मज़ा है, ओए होए होए, आउटस्टैंडिंग ब्रो। तो इसीलिए मैं इसको बहुत दिनों से मिस कर रहा था, आज फाइनली ये मेरे को मिल गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे लालपुर एरिया में हर जगह पे रास्ता टूटा फूटा है, पूरा टूटा फूटा है कि क्या बताऊँ। देख रहे हो धूल कैसे उड़ रहा है गाइस। अभी मैं रिंग रोड आ चुका हूँ और बाइक को चलाया हूँ काफ़ी, लगभग 20 किलोमीटर चलाया हूँ बाइक को। ये देख सकते हो बाइक मेरे पीछे है, और बाइक चलाने के बाद मेरे को अभी तक कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है कि बाइक में कोई चेंजिंग हुआ है। वाइब्रेशन भी अभी वैसा हो नहीं रहा है, बाकी 20 किलोमीटर चलाए हूँ तो पता नहीं चल रहा, और एग्जॉस्ट मेरा स्टॉक वाला लगा हुआ है। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया है कि बाइक में साइड का इंजन खुलने से कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, बट देखते हैं आगे क्या होता है, कहीं इंजन लीकेज ना हो जाए। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि शोरूम वाले लोग बोले हैं, सर्विस सेंटर वाले लोग, कुछ भी होगा तो मेरे पास आप लेके आ जाना बिंदास। बाकी अभी बाइक का फ़ोटोज़ वगैरह लूँगा और फ़ोटोज़ पर डालूँगा, यार बहुत दिन से फ़ोटोज़ नहीं डाला हूँ GT के साथ, तो इसीलिए। तो चलो मैं आपको फिर से रास्ते में एक बार मैं स्पीड चला के दिखाता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस कर रही है बाइक, चलो दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लिया हूँ, अब चलो बाइक को थोड़ा भगा के देखते हैं रिंग रोड में कि कैसा लग रहा है, कोई डिफरेंस फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार। और ये क्या, दो कांटे पे आ गया पेट्रोल, कोई नहीं, वो तो अप एंड डाउन होते रहेगा पहले। ओ भाई साहब, ये GoPro और हेलमेट को अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत दिक्कत दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये कंफ्यूजन हो रहा है सेटअप में। कोई नहीं, गड्डी को भगाता हूँ और देखता हूँ। भगाने में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, एकदम वैसे ही भाग रहा है डिट्टो जैसे भागती है। कॉन्टिनेंटल GT इंटरसेप्टर 650, अरे भाई कितना कंफ्यूजन करोगे यार, सब क्यों इतना क्वेश्चन करते हो, GT है, इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर है, अरे भाई दोनों बाइक सेम है, क्यों नहीं समझते, ये चेंज कर दिया हूँ तो वो GT बन चुका है भाई, कैसे मैं समझाऊँ आप लोगों को जो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है कि गड्डी को जितना चला के देखना उतना तो अपन चला के देख चुके हैं। ओहो, सूरज की रोशनी देखो कितना तेज है, और रांची में अभी ठंड बढ़ चुकी है, रात सुबह में तो आज मैं देखा था 9 डिग्री था यार रांची में, दिन में गर्मी लगती है जब धूप रहती है बहुत तेज। तो ऑल ओवर देखा जाए तो भाई बाइक एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। और बाइक के बारे में मैंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम आया था बाइक में और क्यों इतना टाइम लगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ARJ बाइक्स नाम से ही है, फॉलो कर सकते हो, अच्छे अच्छे रील्स डालता हूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो आप फॉलो करना, नहीं आएगा तो मत करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यूट्यूब में,
बाकी सब बढ़िया है। बाकी बहुत ही जल्दी कुछ न्यू आने वाला है, तो आप चैनल पे बने रहना, इंस्टाग्राम पे देखते रहना, आपको सब पता चल जाएगा। और भाई जो जो रांची से है वो बाइक डिलीवरी में, मैं बाइक ले रहा हूँ, बता ही देता हूँ, मैं बाइक ले रहा हूँ नया हिमालयन 450। तो बाइक डिलीवरी में जो जो आना चाहता है बिल्कुल आए, सबको इन्वाइटेड है। रांची में है लालपुर खन्ना मोटरहेड से डिलीवरी है। मैं टाइम और डेट इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना और आना जरूर यार। मतलब ऐसा मत सोचना भाई कि मैं क्यों जाऊँ उसके बाइक डिलीवरी में, बस भाई ऐसा मत सोचना यार। जो भी देख रहे हो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आना, ऑल इन्वाइटेड। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप आओगे तो, बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब खुशी फील होगा यार। ऐसा मत सोचना कि मैं फ़ैन वैन वैसा वाला कुछ नहीं, भाई 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 सबको ही रहेंगे, मज़ा आएगा डिलीवरी लेने में, ठीक है। तो मैं आपको टाइम और डेट इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, फॉलो कर लेना अगर देख रहे हो वीडियो तो, ARJ बाइक्स नाम से ही है। बाकी चलो इसी नोट पे वीडियो एंड करता हूँ यहीं पे, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टाटा।